विश्व हिंदू परिषद ने साध्वी गोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें धर्मांतरण, लव जिहाद और समलैंगिक विवाह जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। गोष्ठी में देश भर से आई हुई महिला संतों ने भी शिरकत की। हरिद्वार के कनखल स्थित श्री कृष्ण आश्रम में विश्व हिंदू परिषद ने साध्वी संगोष्ठी आयोजित की। देश के कोने कोने से आई महिला संतों ने संगोष्ठी में भाग लिया और समलैंगिक विवाह, लिव इन रिलेशनशिप, लव जिहाद और धर्मांतरण पर चर्चा की। संगोष्ठी में तय किया गया कि सनातन धर्म की सभ्यता और संस्कृति को बचाने के लिए धर्मांतरण, लव जिहाद और समलैंगिक विवाह जैसी बुराइयों को दूर करना होगा। इसके लिए आने वाले दीपावली के त्योहार पर जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। साधु संतों के साथ महिला संत भी गांव गांव जाकर देश की युवा पीढ़ी को जागरूक करेंगी और इन सब बुराइयों से दूर रहने की अपील भी करेंगी। कारों पर हिंदू संस्कृति पर जो कोठाराघात हो रहा है, उस पर विशेष साध्वियों की बैठक है और साध्वियाँ उस पर चिंतन करें, क्योंकि साध्वियाँ धर्मगुरु है। देश तो धर्मांतरण पर है और अपने भारतीय संस्कृति पर है और लव जिहाद पर है, समलैंगिक विवाह जो हो रहे हैं उस पर है। लोगों को ये बताना पड़ेगा कि इन विषय, जो धर्मांतरण जैसा विषय है और समलैंगिक विवाह का जो है विषय है, इन सब विषयों को धर्म के द्वारा या शास्त्र के द्वारा क्या अनुमति प्राप्त है, किसे किस तरह से हम शास्त्र और संत समाज उसको कैसे हम समाप्त कर सकते हैं, इन विषयों पर चर्चा। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रुपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।